नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज। कई दशकों से स्वामी नगर का विकास नहीं हुआ है, इसी के चलते अंबरनाथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने दो मंदिरों का उद्घाटन कर मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अंबरनाथ पश्चिम में स्थित स्वामी नगर परिसर है और ये परिसर कई दशकों से विकास से वंचित रह गया था। यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेताओं की नजर नहीं जाती थी, इसी वजह से कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने ठान लिया कि अब स्वामीनगर का भी विकास हो और इसी के चलते आज दो मंदिरों का कलश पूजन कर इलाके के नागरिकों को भोजन दान कराया गया। वहीं पाटिल का कहना है कि ये पूरे शहर को स्वच्छ रखने वाले ज्यादातर सफाई कर्मचारी इसी स्वामीनगर इलाके में रहते हैं और इनके इलाके में कोई भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से इस स्वामीनगर का काया पलट करना है। अंबरनाथ स्टेशन के पास में स्वामीनगर ये झोपड़पट्टी एरिया है। इस एरिया में प्रदीप पाटिल जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है, इनके थ्रू से आज दो मंदिरों का कलश पूजन हुआ है और लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ये पूरी बात क्या है, इस बात के लिए जाते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी क्या कहेंगे, ये स्वामीनगर जो एरिया है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है, इसका विकास के लिए आप लोगों ने अभी कदम उठाया है, क्या कहेंगे? आज दो मंदिरों का उद्घाटन भी आप लोगों ने किया है, कलश पूजन किया है, अभी यहाँ पे खाना वगैरह का वाटप हो रहा है, क्या कहेंगे पूरे? देखिए, 25 साल 1995 अंबरनाथ नगर पालिका अस्तित्व में आई, लेकिन 1995 से आज तक इस जो स्लम एरिया स्टेशन के नज़दीक, अंबरनाथ स्टेशन के नज़दीक, इसका अभी तक विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। हम लोग यहाँ पर गणपति में आए थे या गणेश मंदिर में, तो हमको देखा गया कि अब गणेश मंदिर एकदम गिरा हुआ है, पतरा टूटा हुआ है, तो लोगों ने डिमांड किया माता जी का मंदिर, गणपति का मंदिर है, तो हमने वो बनाने की ठान लिया और इधर के लोगों के डिमांड पर हमने मंदिर तो बना दिया, लेकिन हमारे दिल में एक ये रह गई, कमी रह गई कि यह एरिया का विकास नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि एरिया का विकास भी हो और यहाँ लोगों को अच्छी सुविधा भी मिले। आज तक जो भी राजकारण के माध्यम से हुआ है, कुछ भी हुआ नहीं है। लोगों ने खाली इनको बेला फुसला के मत अपनी वोट तो लिया है, लेकिन उनको जो चाहिए वो सुविधा नहीं दी है। ये आपस में झगड़े और ये यहाँ पर अंबरनाथ को सुविधा देने वाला एरिया है, जो सफाई कामगार यहाँ पर रहता है 100%, जो अपने मेहनत से खाते हैं, लेकिन उनको ज़रूरतमंद सेवा उनके पास पहुँचाई नहीं जाती है। इसीलिए हम लोग प्रयत्न करने वाले हैं क्या हमारे माध्यम से, नगर पालिका माध्यम से जितनी हो सुविधा उन तक जाए, ये हमारी अपेक्षा है और ये जनता से मेरी विनती है कि आप लोग आपका भविष्य आगे जाके चुने, ऐसी मेरी विनती है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जम न्यूज़।